गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जय श्री स्वामी नारायण। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में एल्जेब्रिक के अंदर डिवाइड कैसे किया जाता है सिंपल, वो हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था उससे थोड़ा यहाँ पे डिवाइड अलग होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग डिजिट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में करवा रही हूँ, एक्सरसाइज 6C में से क्वेश्चन नंबर 3 डिजिट है x² - 4x + 4 / x - 2। आप लोगों ने पहले जो पढ़ा वहां पे डिजिट है डिवाइड में सिंगल थी, यानी कि वन टर्म वाला था, राइट, वन टर्म वाला था। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो दो टर्म है यहाँ पे लिखे हुए, तो इसका डिवाइड कैसे करना है, तो यहाँ पे हम लोग इसका डिवाइड करेंगे। जैसे आप लोग सिंपल डिवाइड करते हो उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग इनको लिख लेंगे। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे x, आगे कुछ नहीं है यानी कि 1x है, राइट। तो 1x के टेबल में x² कब आता है, तो मैं आप लोगों को सिंपल सा यहां पे एक एग्जांपल दूं। हमें कितना x, आप लोग टेबल बोलते हैं तब आप लोग ऐसे बोलते हैं ना, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, राइट। ऐसे ही हमें आंसर चाहिए x², राइट। यहाँ पे x² है इसीलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को दूसरा समझाऊं, समझ लो यहाँ पे ऐसा है डिवाइड में, यहाँ पे 2 है, तो आप लोग यही देखोगे ना कि 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, राइट, यानी 1 2 जा, राइट। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे देखना है कि x के साथ हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x² मिलेगा, यानी x2 टाइम मिलेगा। तो x को हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो यहाँ पे x आएगा, तो x मल्टीप्लाई x यानी कि x², डन। अब ऐसे ही यहाँ पे आप लोग देखिए -2 है, यानी x के साथ -2 भी है, तो हम लोग यहाँ पे आगे स्टेप कैसे करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एक्स को ऊपर लिखा हुआ है, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स यानी कितना होता है, तो 2x होगा। अब यहाँ पे प्लस की साइन डाल या माइनस की, तो यहाँ पे आप लोग देखिए माइनस की साइन है, माइनस यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं, यानी यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, समझ गए। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना होगा, तब हम लोग इसको कट करने के लिए हम लोग साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे एक्स है वो प्लस में है तो ये माइनस साइन हो जाएगी, यहाँ पे 2x है वो माइनस में है यानी ये प्लस में साइन हो जाएगी, ये दोनों कट हो गए। ओके, तो यहाँ पे -4 है एंड यहाँ पे +2 है, यानी कि -2 बचा, -2x, ऊपर वाला +4 है वो हम लोग ऐसे ही इनको ले लेंगे नीचे, समझ गए। अब आगे वापस यही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोसेस की थी वही कंटिन्यू करेंगे, वापस 1x के टेबल में कब 2x बनेगा, सोचो 1x के टेबल में कब 2x बनेगा, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1x है, कितना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x मिलेगा, तो x तो है ऑलरेडी तो हमें x² तो नहीं चाहिए, तो x को तो हम नहीं रखेंगे, यानी सिर्फ 2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x मिल जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, लेकिन वो 2 हमें प्लस में चाहिए या माइनस में, तो हमें यहाँ पे 2x माइनस में चाहिए, ये प्लस में है तो हमें माइनस साइन लेने के लिए हम लोग यहाँ पे भी माइनस करेंगे, -2। ओके, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को मिल गया -2x। अब वापस इनकी तरह यहाँ पे करेंगे 2 × 2 यानी 4, माइनस माइनस प्लस यानी +4,
वापस हम लोग साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, दोनों सिमिलर है, जीरो हो गया, सिमिलर है, जीरो हो गया, ये हमारा रिमाइंडर बचा। समझ गए यहाँ पे हमें क्या क्या आंसर देने हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या लिखा है, रिमाइंडर कितना है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया जीरो एंड हमें आंसर मिला है एक्स माइनस टू। डन, समझ गए। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप का है। ओके बेटा, वापस यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी x को अभी भी x के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने x लिखा है, यानी 7 मल्टीप्लाई x करेंगे, यानी प्लस 7x। वापस क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, 12 माइनस 7 यानी 5x प्लस 35। अब हम लोग यहाँ पे x है लेकिन हमें चाहिए 5x, तो x को हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5x मिलेगा, तो सिर्फ 5 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x के साथ तो हमें 5x मिल जाएगा, प्लस 5x मिला। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो 7 5 का कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 35। साइन चेंज करेंगे तो 0 0 आ गया, तो वापस हमें रिमाइंडर कितना मिला, यहाँ पे 0 मिला एंड हमें फाइनल आंसर कितना मिला, x प्लस 5 मिला। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, यहाँ पे है 7x, यहाँ पे है 14x स्क्वायर। मैं सिंपल सा यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल थ्रू समझाऊं, 7x है, हमें आंसर चाहिए 14x स्क्वायर, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 7x के साथ तो हमें 14x स्क्वायर मिलेगा। सोचो पहले तो हमें अभी भी एक x चाहिए तो एक x रखेंगे, 7 × 2 = 14 होता है, यानी 2x हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7x के साथ हम लोग 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 14x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आएगा 2x, 7 × 2 = 14 x मल्टीप्लाई x यानी x स्क्वायर। समझ गए। अब आगे यहाँ पे माइनस 9 है, यानी 9 × 2 = 18 लेकिन माइनस में आएगा 18। वापस यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग साइन चेंज करोगे, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट हो गया। ओके, 53 माइनस आप लोग 18 करोगे तो आंसर आएगा 35, लेकिन प्लस में आएगा या माइनस में, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है वो साइन आती है, तो यहाँ पे 53 है वो माइनस में है, तो ये माइनस ही साइन रहेगी। ओके, वापस यहां से शुरू करेंगे हम लोग, 7x है, हमें कितना चाहिए, 35x चाहिए, तो x तो बड़ा है तो हम लोग x तो नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, तो हम लोग कितना यहाँ पे लिखेंगे तो 35 मिलेगा, तो आप लोग 7 का टेबल बोलिए तो 7 × 5 = 35 होता है, यानी हमें सिर्फ यहाँ पे 5 चाहिए, लेकिन प्लस में 5 चाहिए या माइनस में, यहाँ पर माइनस है यानी हमें माइनस में 5 चाहिए। ओके, तो 7 × 5 = −35 x का x रहेगा। ओके, ऐसे ही यार 9 × 5 = 45 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है यानी यहाँ पे प्लस, प्लस है यानी माइनस, कट हुआ यानी जीरो आया। समझ
समझ गए। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा जीरो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंड फाइनल आंसर है हमारा 2x-5। ओके बेटा समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप लोग देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, लेकिन x क्यूब है, राइट। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में यहाँ पे समझाती जाऊंगी, ध्यान से देखना। 2x है इज इक्वल टू हमें चाहिए 2x क्यूब। हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x क्यूब मिलेगा। तो 2 तो है ऑलरेडी, तो हमें 2 नहीं चाहिए, यानी अभी भी x को 2 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा, राइट। ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x क्यूब मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x2। ओके 2x क्यूब, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 है, यहाँ पे x2 है तो +3x2। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस की साइन है, ये माइनस की, प्लस की है तो ये भी माइनस की, ये जीरो हो गया। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 है माइनस में, यानी -2x2-5x-2। ओके ऐसे ही आप लोग अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पे 2x2 है, राइट। वापस यही सिचुएशन आ गई, 2x है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x2 मिलेगा। तो अभी भी हम लोग x डालेंगे, 1 टाइम x डालेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे प्लस या माइनस, तो माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस है इसलिए तो माइनस x करेंगे। ओके क्योंकि हमें आंसर यहाँ पे माइनस में चाहिए, तो ये x है वो माइनस में ही डालेंगे हम लोग। तो माइनस x यानी कि 2x2, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी -2x2 आगे +3 माइनस x यानी कि -3x। माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, जीरो हो गया। 5 माइनस में 3 प्लस में है, यानी -2x-2 ऊपर से आया। ओके अभी भी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे भी हमारे सामने 2x है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को ले लेंगे, मतलब कि यहाँ पे 2x है, आंसर भी हमें 2x चाहिए, तो मल्टीप्लाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जीरो तो नहीं कर सकते क्योंकि किसी का हम लोग जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो आंसर आ जाएगा, राइट। तो हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे माइनस है यानी -1, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी -2x, 3 × -1 करेंगे यानी कि -3, प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट हो गया, यहाँ पे +1 रिमाइंडर बचा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 एंड हमें फाइनल आंसर क्या मिला है वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो मिला है x²-x-1, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप लोग देखिए x³ यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस आ गया, यानी कि इसका टर्म्स है ना वो कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू टर्म्स का मीनिंग ये है, मैं आप लोगों को समझाऊं तो किसी का पावर 3 है तो यहाँ पे साथ में प्लस या तो मल्टीप्लाई, कोई भी पावर 2 आएगा, बाद में पावर आएगा 1 एंड बाद में ऐसी पावर बिना डिजिट आएगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे क्यूब है, क्यूब के बाद कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि स्क्वेयर है वो जीरो में होगा। ओके तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे x³ + 0x² + 0x + 1, ये वाला ही 1। हम लोगों ने क्या किया, वापस ध्यान देना, आगे ऐसा
नहीं आया था क्वेश्चन में कि टर्म्स को बीच में से टूटना पड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्री टाइम है तो टू टाइम कहाँ गया, तो वो टू टाइम वाला जीरो है, नहीं लिखा है यानी जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जीरो एक्स पे जीरो एक्स प्लस, यहाँ पे वन है तो वन है, सिर्फ ये दोनों बीच में नहीं लिखा हुआ है तो हम लोगों ने डाल दिया। आप लोग नहीं डालोगे तो भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा डिजिट डालने में, ओके। इसलिए मैं डलवा रही हूँ, हम लोग आसानी से इसकी तरह ही क्वेश्चन कर पाए इसलिए, ओके। यहाँ पे x क्यूब है, अब आप लोगों को पता है हमारे सामने यहाँ पे x है वो वन टाइम है, तो अभी भी हम लोग मल्टीप्लाई टू टाइम करेंगे x को तो हमें x क्यूब मिल जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी x क्यूब है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे x स्क्वेयर है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्लस वन x स्क्वेयर आएगा। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, ये जीरो हो गया, यहाँ पे बचा माइनस वन एक्स स्क्वेयर, ऊपर से नीचे लेकर आएंगे जीरो एक्स प्लस वन। अब हमारे सामने यहाँ पे एक्स है वन टाइम, यहाँ पे टू टाइम है एंड माइनस में चाहिए, यानी कि यहाँ पे अभी भी एक वन टाइम एक्स लिख लेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टू टाइम एक्स मिल जाएगा एंड यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यानी वो वन ही है। अब वन मल्टीप्लाई माइनस एक्स तो माइनस वन एक्स हो जाएगा, प्लस की साइन, यहाँ पे भी प्लस की साइन, ये कट हो गया यानी कि यहाँ पे वन एक्स प्लस वन बचा। अब यहाँ पे आप लोग देखो वन टाइम एक्स है, यहाँ पे भी वन टाइम एक्स है, हमें कुछ जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता है यहाँ पे भी मैंने बोला था हमें कोई भी रिक्वायरमेंट ना हो नंबर की तो हम लोग क्या करेंगे, वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी डिजिट का हम लोग वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमें मिलता है, यानी कि टू वन जा टू, हमें थ्री चाहिए तो थ्री वन जा थ्री, ऐसे, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो एक्स मल्टीप्लाई वन करेंगे तो हमारे सामने एक्स ही रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे प्लस में चाहिए तो प्लस वन ही डाल देंगे, प्लस वन ही लिख लेंगे, ओके। इसलिए x मल्टीप्लाई प्लस वन करेंगे तो वन एक्स ही हमें मिलेगा। ऐसे ही आगे यहाँ पे वन है प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में वन है, वन वन जा वन हो जाता है यानी कि यहाँ पे प्लस वन, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस की साइन, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, प्लस की साइन माइनस हो जाएगी, कट हो गए यानी रिमाइंडर बचा जीरो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो एंड फाइनल आंसर बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो वो भी लिख लेंगे हम लोग। समझ गए बेटा, तो यही मेथड की मैं आप लोगों को आज होमवर्क में दे रही हूँ। एक्सरसाइज सिक्स सी में से क्वेश्चन नंबर फोर सिक्स एंड एट, बेटा ठीक से प्रैक्टिस करना, ओके। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना।